हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वर्क एंड एनर्जी का। देखते हैं क्वेश्चन। ये सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड ए 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। एक मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है, खपत हुआ है। वन मंथ में एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है 250 यूनिट्स। अब हम लोग को निकालना है, तो 250 यूनिट्स जूल में कितना होगा, जूल में कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वन यूनिट को ही कहा जाता है किलोवाट आवर, और वन किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6×10⁶ जूल। 3.6×10⁶ जूल। अब इसको हम समझते हैं। यूनिट्स होता है किलोवाट आवर, यूनिट्स की जगह लिखेंगे किलोवाट आवर, और वन किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6×10⁶ जूल। 1 kWh = 3.6×10⁶ जूल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10, जीरो से जीरो कट गया, 36×25 आएगा 9×10⁸ जूल। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 40 kg, इज रेज टू ए हाइट ऑफ 5 meters। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 5 meters की दूरी पे ले जाया गया इस किसी ऑब्जेक्ट को। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, होता है mgh। m कितना है, 40 kg, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और हाइट कितना है 5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1960 जूल। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, तो इसको ऑब्जेक्ट को अब फॉल कर रहा है, गिर रहा है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक, जब ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो हाफ वे, आधा दूर में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आधा दूर में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1960, इसका आधा होगा इक्वल टू 980। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और according to the law of conservation of energy,
पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 980 जूल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। जब सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इसीलिए इस केस में वर्क डन जीरो होगा।